हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं कवर करूंगा पार्ट 21, 40 MCQ क्वेश्चंस। ये है आपके लिए क्विज़। इसको आपने अटेम्प्ट करना है पूरी ईमानदारी के साथ, और वीडियो के अंत में जो भी आपका स्कोर बनेगा मुझे करना है कमेंट। और एक क्वेश्चंस मैं अलग से पूछूंगा। पिछले किसी नियर जो पार्ट आपका अभी अपलोड हुआ था, पार्ट 19 में से या फिर 20 में से, उसका पूछने का रीज़न ये है कि मुझे ये पता करना है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और आपको पता करवाना है कि आप कितनी स्पीड से भूल रहे हैं। दोनों चीज़ें काफ़ी सारे कमेंट मुझको आ रहे हैं, अपना स्कोर भेजते हैं, बट कुछ स्टूडेंट केवल वीडियो वॉच तो कर रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं भेज रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, कुछ नया करो और अपनी कमियों का पता लगाओ और उसे ख़त्म करो। अगर ऐसे ही अगर आप जी चुराओगे, अपनी कमियों को छुपाओगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा? थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक ओलंपिक प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो बात कर रहा है शुरुआत की 1850, 1880, 1890 या फिर 1896। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, देखिए इतनी ही स्पीड से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, 1896। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम या प्राचीन ओलंपिक कब आयोजित हुए? 576 ईसा पूर्व, 676 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व या फिर 876 ईसा पूर्व। तो सेकंड का जो राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको इसका आंसर याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, 776 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लोसाने, जेनवा मतलब जेनेवा, पेरिस या फिर लंदन। तो थर्ड का राइट आंसर बनेगा आपका ए, लोसाने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष सम्मिलित हुआ? भारत जो है पहली बार ओलंपिक खेलों में कब इसने पार्टिसिपेट करा था, वो ये हमसे पूछ रहा है। 4 वर्ष हमको दिए हैं, 1920, 1928, 1940 एंड 1965। 4 का राइट आंसर है आपका 1928। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 18 गज, 20 गज, 22 गज, 24 गज। तो 5 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी, 22 गज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितने फीट होती है? 44 फीट, 40 फीट, 30 फीट या फिर 55 फीट। तो 6 का राइट आंसर होगा आपका ए, 44 फीट। क्वेश्चन नंबर 7, बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट 8 इंच, 8 फीट 8 इंच, 10 फीट 4 इंच, 9 फीट 6 इंच। 7 राइट आंसर बी, 8 फीट 8 इंच। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष है कौन? मतलब भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता, ये हमसे पूछ रहा है। और 4 नाम हमारे सामने है, केडी जाधव, कर्णम मलेश्वरी, ध्यानचंद या फिर मिल्खा सिंह। तो 8 का राइट आंसर आपको लगेगा वैसे मिल्खा सिंह, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, के डी जाधव। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, मुंबई। 9 राइट आंसर सी, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता कौन है? लीला रो, कर्णम मलेश्वरी, गीता सेठी या फिर साइना नेहवाल। 10 10 का राइट आंसर होगा आपका कर्णम मलेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की ओर से प्रथम महिला खिलाड़ी ओलंपिक में सम्मिलित होने वाली कौन है? उनका नाम क्या है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, कर्णम मलेश्वरी या फिर लीला रो। तो इसका राइट आंसर है डी, लीला रो। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा। 12 राइट आंसर है सी, पहली बार जो क्रिकेट खेले गए थे वो
वो इसी स्थान पे खेले गए थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड को कहते हैं क्रिकेट का जन्मदाता। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर, भोलू, चांद, तारा। प्रथम एशियाई खेल, ये बात याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी के जॉनसन, डी के करवे, पेरे डी कुर्बितन, या फिर जिमी कार्टर को। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। 15, 15 का राइट आंसर होगा आपका बी, 4 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 की एक दिवसीय क्रिकेट का प्रथम मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया था? क्रिकेट की बात कर रहा है और आपको मैंने हिंट दिया था क्या, इंग्लैंड का। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था इंग्लैंड का, और इंग्लैंड कहाँ कहाँ पर है? ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। अब इसमें से हमारा एक राइट आंसर बनता है। तो इतना हिंट आपके लिए बहुत है, शायद आपने आंसर लगा भी लिया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है सी। अगर आपका आंसर सही है तो दे दीजिए अपना आपको एक नंबर, अगर गलत है तो ईमानदारी से एक नंबर माइनस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? के विडल, जगमोहन डालमिया, कपिल देव, या फिर बिशन सिंह बेदी। तो 17 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जगमोहन डालमिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस स्थान पर आयोजित किए गए? कोलंबो, बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो। 18, 18 का राइट आंसर है आपका सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट जो बॉल होती है उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है? तो देखिए वजन एग्जैक्ट फिक्स तो नहीं होता, लेकिन एक स्टैंडर्ड वेट हो सकता है उसका, इतने से इतने औंस तक का, वो हमको पता करना है। यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को साइलेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसका आंसर मुझको बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, बिशन सिंह देवी, या फिर एस वेंकटा राघवन। तो 20 का राइट आंसर बनेगा आपका डी। 21 नंबर है कि टेस्ट क्रिकेट में सभी विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था जिसने क्रिकेट मैच में सभी विकेट लिए उस मैच के, उसका नाम क्या है? उसका नाम, पहला ऑप्शन आपके सामने है जिमलेकर, चेतन शर्मा, शोएब अख्तर, या फिर शेन वॉर्न। फटाफट लगाइए इसका आंसर। 21 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, जिम लेकर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कहां पर किया गया? भारत, इंग्लैंड, हैमिल्टन, या फिर चीन। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त, 20 फरवरी, 4 नवंबर, 20 अगस्त। 23 और राइट आंसर होगा इसका ए, 29 अगस्त। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। तो 24 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका इंग्लैंड। और क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है कि भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1920, 1932, 1975, 1980। तो 25 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1932। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, टेस्ट मैच के एक पारी में 4 शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, या फिर सईद अनवर। 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ब्रायन लारा, उसके बाद में ये पर्सनैलिटी काफी फेमस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, शोभा डे, अर्चना कुमारी, पूजा जैन। 27 राइट आंसर है इसका मिताली राज।
क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष? 28 राइट आंसर है इसका, 2 वर्ष। देखिए 28 में कहा इसने राष्ट्रीय खेल, और 15 क्वेश्चन नंबर में इसने कहा था ओलंपिक खेल। तो दोनों में ही डिफरेंस है, और दोनों का ही वर्ष, इसका 4 वर्ष था ओलंपिक का और राष्ट्रीय खेल का है 2 वर्ष, और दोनों ही आपको याद होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, और कंफ्यूज नहीं होना है 4 वर्ष किसका है और 2 वर्ष किसका है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन कहेंगे इसको हम लोग। देखो गप खा जाओ, ठीक है, कपिल देव, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद। तो 29 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी, मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 30, भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता? कपिल देव के टाइम पे, थोड़ा याद आ रहा है आपको? 1975, 1980, 1983 या फिर 1992। जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं, जिसको खेल में काफ़ी रुचि है, मुझे पता है कि उनका स्कोर आज इस वीडियो में काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो फटाफट अपना स्कोर मुझको भेजना। जो इसका राइट आंसर है 1983। क्वेश्चन नंबर 31, किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत पहली बार सम्मिलित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 31 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1915, 1920, 1924, 1930। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है 1924, मतलब 1924। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? 1926, 1928, 1975, 1909। 33 राइट आंसर होगा इसका 1909। मार्ले मिंटो सुधार, याद आया? तो देखिए आप कभी भी अगर जीके पढ़ते हैं ना, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी रखिए। अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं हो रहा है तो आपको मार्ले मिंटो का पता होगा 1909, तो इसको वहां से रिलेट करके ऐसे याद कर लो कि मार्ले मिंटो को उसने क्या करा था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना करी थी, ऐसे याद कर लो उसको। बड़े अगला क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। 34 राइट आंसर है इसका वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिकेट में प्रथम वर्ल्ड कप का क्या नाम था? अभी हम बोलते हैं कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, एक्चुअली वर्ल्ड कप का एक पुराना नाम था जिसका नाम चेंज करके वर्ल्ड कप रखा गया। तो वर्ल्ड कप का पुराना नाम क्या था? ए प्रूडेंशियल कप, चैलेंजर कप, हीरो कप या फिर मास्टर्स कप? 35 राइट आंसर होगा इसका ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्रथम शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? रवि शास्त्री, कपिल देव, डेनिस एमिस या फिर आमिर खान? तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका डेनिस एमिस। अगला क्वेश्चन है 37, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के खिलाड़ी थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका? 37 राइट आंसर होगा इसका बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया? 1955, 1965, 1971 एंड 1980। 30 का राइट आंसर होगा आपका 1971। देखिए प्रैक्टिस स्पीड में पढ़ने की इसी तरह से करनी है जैसे मैं आपको अभी पढ़ के बता रहा हूँ, आराम आराम से। वहाँ पे एग्ज़ाम में मत पढ़ना, एग्ज़ाम की तो छोड़ो, अभी से जो भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना ऑनलाइन ऑफलाइन, तो अभी से स्पीड मेंटेन करके चलो। अब ये नहीं कि आप आराम आराम से पढ़ रहे हो कि क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रेज, भैया इतना टाइम नहीं है वहाँ पर, फास्ट काम होता है, फटाफट पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ने हैं, राइट आंसर देना है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ना है, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसके सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो वर्क होता है वो होता है टाइम को मैनेज करने का। भाई क्वेश्चंस आते हैं और टाइम की वजह से आपके क्वेश्चंस 70% आपका पेपर हाथ से छूट जाए तब कितना होता है दुख। तो इसलिए हर किनारे पर, हर एक पहलू पर तैयारी करते समय आपको पैनी नज़र रखनी है, जो भी वीक पॉइंट है उस पर काम करना, अभी से स्टार्ट करना है,
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 3 फुट। 39 राइट आंसर, ए 4 फुट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? 1924, 1930, 1955, 1975। तो 40, 40 का राइट आंसर है। और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर है 1924। अब पूछता हूँ मैं आपसे एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में आपने देखा था। अभी आपका जो भी स्कोर बन रहा है मुझे वो आप करेंगे कमेंट। तो ये है आज का क्वेश्चन जिस जो मैंने लिया है पार्ट 20 में से। और एक टाइम के बाद ऐसा वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं कि आपसे काफ़ी प्रीवियस वीडियो के भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या था और साथ में अपना टोटल स्कोर। और देखिए अगला वीडियो आप चाहें तो जैसे अटेम्प्ट करेंगे 22 पार्ट, तो उसमें आप लोग एक एक करके मुझे वन बाय वन भी अपने आंसर भेज सकते हैं। जैसे कि अभी तो मैं आपसे पूरा स्कोर मांग रहा हूँ, अदरवाइज आप एक काम करना कि कमेंट में पहले का ए दूसरे का सी ऐसे ऐसे लिख के भेज देना, और आपका जो भी फाइनल स्कोर बनता है उसके बाद मुझे अलग से कमेंट कर देना फाइनल स्कोर का। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको ये इजी पड़ता है, पेन पेपर उठाओ फिर ये करो। देखिए पेन पेपर का तो बहुत कष्ट करना पड़ेगा, वरना फिर एक काम करना कि पेपर लेकर के उसमें 1 2 3 4 ऐसे लिख करके अपना वैसे भेज देना स्कोर। देखिए जैसे भी आपको सही लग रहा है वैसे करिए। देखिए स्कोर भेज करके, देखिए मैं तो आपके स्कोर को इकट्ठा करके तो कुछ करूंगा नहीं, मेन चीज़ तो ये है बस स्कोर पूछने का। मेन मोटो हर एडुकेटर का यही होता है कि वो आपको पता रखे, पता लगवाना चाहता है वो आपको कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर आपको लगता है कि आपके कमेंट से, आपके स्कोर से हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है या फिर हम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए बस कमेंट है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, क्या बढ़िया मुझे पूछने की, मेन रीज़न यही है पूछने का मेरा, मेन रीज़न कि आपको दिखाना है कि आप कितने पानी में हो और कितने स्पीड से आप भूल रहे हो। अगर भूल रहे हो तो अगर ऐसी तैयारी आपकी चल रही है तो क्या इस तरह से सिलेक्शन होगा? थिंक अबाउट इट, इस बारे में विचार करिएगा एक बार अकेले में सोने से पहले। तो लेता हूँ आपसे अलविदा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके जो भी टारगेट होंगे, जो भी आपके एम होंगे, जो भी आपने संकल्प लिए होंगे, ये साल आपके संकल्प को पूरा करेगा। लेकिन संकल्प पूरा तभी होगा जब आपके अंदर होगा एक डेडिकेशन, कुछ करके दिखाने का। क्योंकि दशरथ मांझी का एक डायलॉग आपको बहुत अच्छे से याद होगा, भगवान के भरोसे ना बैठो, का पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, है ना? कुछ यही चीज़ें अप्लाई होती हैं आपके भी लाइफ में। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था, भगवान नहीं चाहता, अभी सही समय नहीं आया, बहुत सारे एक्सक्यूज। लेकिन एक स्टूडेंट वो है जो मात्र 3 महीने की तैयारी में सिलेक्शन ले लेता है, मात्र 3 महीने की। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। दिल्ली में आ जाओ, जाओ मुखर्जी नगर, देखो 3 नहीं तो कम से कम 4 मंथ की तैयारी में सिलेक्टेड। ये रेलवे के तो ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, वैसे ग्रुप सी भी है, SSC के भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं जो बंदे मेहनत करते हैं, लेकिन उनके सामने होता है एक टारगेट, करो या मरो की नीति अपनाते हैं वो लोग। अगर आप अपना सकते हैं तो आपका भी सिलेक्शन होगा, अगर नहीं अपनाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई अंधविश्वास है तो आप इस अंधविश्वास के साथ में चलिए, क्योंकि अब कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, मुझे ये बखान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे बच्चों फॉर्म भर रहे हैं, एक बच्चा हुआ है जो फुल टाइम पढ़ भी रहा है, डेडिकेशन दिखा रहा है अपना और बहुत नीडी भी है, उसके सामने टारगेट है, लास्ट चांस है उसके पास में, और एक आप है, सब कुछ होने के बाद भी डब्बा गोल, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, हर किताब आपको मिल रही है, पॉकेट मनी अच्छी मिल रही है, बाइक पे जाना है, बाइक पे आना है, क्या चाहिए? चलिए शेयर छोड़िए इस बातों को, ठीक है? आप मुझे भेजिए कमेंट्स, क्योंकि समझाना तो मेरा फर्ज बनता ही है, लेकिन समझना ना समझना वो आपकी ड्यूटी बनती है कि इस बात को कितने मजे में लेते हो, कितने हल्के में, कितने